यस वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन तो आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर सेशन में और क्या हालचाल आप लोगों का बहुत बढ़िया आज बुधवार का दिन है टुडे इज़ वेंसडे कल ट्यूसडे था वैसे आज गणेश चतुर्थी भी है तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मतलब भगवान आते हैं सबके घर है ना और ग्यारह दिन का ये गणेश चतुर्थी मनाया जाता है और फिर जब ये एंड होता है तो हम अनंत चतुर्थी मनाते हैं आप लोगों को पता होगा कितने लोग हैं जिनके घर में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है ओके okay. बिल्कुल तो दिस दिस 11 डे इज़ गोइंग टू बी वेरी पीस मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वेरी प्रीशियस फॉर यू अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है कोई संकल्प नहीं लिया है कि आपको इस साल ये करना है कोई जॉब लेना है अपने रूटीन को सुधारना है देखिए कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि आज मैंने लिखा है बी स्ट्रॉगर देन देन योर एक्सक्यूजेज है ना तो होता है कि मेरा ये रिजल्ट इसलिए नहीं निकला क्योंकि मैं बचपन से पढ़ने में अच्छी नहीं थी लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए पर क्योंकि मेरा बैकलॉग इतना था तो इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं निकला या मेरा रिजल्ट इसलिए नहीं निकला क्योंकि मेरी मम्मी मेरे से बहुत काम करवाती थी तो हमेशा बर्तन वर्तन साफ़ करना पड़ता था बड़ा टाइम वेस्ट होता था इसलिए नहीं निकला क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे अगर मेरे फ्रेंड्स अच्छे होते तो मेरा रिज़ल्ट जरूर निकल ज़रूर निकलता है ना या मेरी टीचर अच्छी नहीं थी टीचर ही बेकार पढ़ाती थी हम तो बहुत अच्छे थे पढ़ने में मेरा तो हो ही जाता लेकिन टीचर अच्छी नहीं थी मेरे घर में लोगों के पास पैसा नहीं था तो मेरा अच्छा कोचिंग नहीं करवाया गया बहुत सारा कारण है लेकिन आपको उन कारणों से बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग होना है क्योंकि क्योंकि अगर आप अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करने वाले पृथ्वी के पहले और आखिरी इंसान हैं आपसे पहले भी बहुत लोगों ने किया है और अभी जैसे पैरालंपिक्स होता है सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो पैरालंपिक्स से लिया जाता है मतलब आप सोचना कि जिनके पास उनका पूरा फिजिकल आप लोग इतने लकी हैं कि आप फिज़िकली फिट हैं आपको आँख से दिखाई दे रहा है पैर काम कर रहा है हाथ काम कर रहा है आप पटापट -पड़ बोलते रहते हैं तो अब हर तरह से आप जो हैं वो सही है है ना लेकिन कुछ लोग जो डिफरेंटली एपल्ड एबल्ड होते हैं स्पेशली एबल्ड होते हैं वो लोग तक दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं और फिर से मैं कह रही हूँ पढ़ना जो है ना सबसे आसान काम है सबसे आसान काम है क्योंकि क्योंकि पढ़ाई में आपको कुछ नहीं करना है एक टेबल कुर्सी लेना है छोटा सा है ना ज़मीन पे भी बैठ के पढ़ लेते हैं आजकल तो वो वाला भी आ गया है बेड टेबल लेकिन बिस्तर में मत पड़िएगा बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है बहुत अच्छा नींद आ जाएगा ठीक है तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि घर में कोई कोना बना ले उस पर बैठ के आप पढ़ें कंफर्टेबल रहें अपीट पीछे एक तकिया वगैरह रखना आप रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो जाइए ऐसा पढ़ें कि यहाँ पे सिर पे दीवार रहे ताकि सोए तो पटाख से लग जाए वहाँ पे कुछ भी ऐसा होना चाहिए ठीक है छोटा सा टेबल ले और कॉपी लें किताब लें हम आपको करंट अफेयर्स और जीके के लिए आपको पता है ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाकी आप ध्यान दें अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पर रीजनिंग को प्रैक्टिस करें और ये सब पढ़ते रहें आपका रिजल्ट निकलेगा ठीक है ज़रूर जरूर जरूर निकलेगा बार बार सिलेबस देखते रहिए कहीं सिलेबस से तो डाइवर्ट ना हो जाए जिस कमीशन का आप एग्जाम दे रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए और आपको कुछ नहीं करना है आसान काम है ठीक है बस अपने आप को और बेहतर बनाना है और बेहतर बनाना है राइट लेकिन अगर आप आ, स्पोर्ट्स में होते मान लो तो कितना टफ़ होता पहले तो आपको इंडिया लेवल पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना है फिर स्टेट लेवल पे खेलना है फिर कहीं और जाना है इंडिया लेवल पे खेलना है इससे जान पहचान बनाना है उससे कॉम्पटिशन करना है टॉप इलेवन मान लीजिए क्रिकेट खेलना टॉप टौ, टौ, टॉप इलेवन में आना है टफ़ चीज़ है पढ़ाई ईजी चीज़ है इसीलिए आप लोग अपने आप पर विश्वास रखें अपने सारे एक्सक्यूजेस को साइड कीजिए आप अच्छे हैं आप बहुत बेहतर हैं और आप और बेहतरीन कर सकते हैं और उसी के तो अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ाए तो भी मैं कह रही हूँ ऊपर वाले का नाम लें आज गणेश जी आ भी गए हैं सबके घर है ना तो ऊपर वाले का नाम लें और बस गणपति बप्पा मौर्य करते हुए पढ़ाई शुरू कर करीजिए और कोई भी दिक्कत होता है ना तो मुझे बताइए एप्लीकेशन कड़ा वेरीफाई होगा हाँ रजत सर ने तो एक वीडियो भी बनाया है कि जिनका भी नॉट वेरीफाइड लिख रहा है उनको क्या करना है नॉट वेरीफाइड रिजेक्टेड नहीं है ठीक है चले तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना होता है तो आज हम एक uh, लाइव ये सेशन 11 बजे आपको मिलेगा इंजीनियर सड्डा पे कि करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने बहुत सारे बच्चे बोलते हैं है। मैम बड़ा रेगड़स है बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ना पर, पड़ता है करंट अफ़ेयर्स में इसका क्या करना है तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा साथ ही साथ कंसिस्टेंसी इज़ द की एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई अगले दिन दोस्त की बहन का शादी है चले गए नाचने तीसरे दिन जो हैं वो आए बहुत पढ़ लिए चौथे पांचवे दिन लगा बहुत ज़्यादा कब पढ़ लिए चिकन खा के सो गए तो ये सब चीज़ें जो है ना वो गलत है कंस कम पढ़ो चार घंटे पढ़ो पांच घंटे पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो ठीक है ये ज़रूरी है और हमेशा अपने आप का आकलन कीजिए हम या स्वयं प्रभु भी आपका आकलन नहीं कर सकते हैं कि ये इतना अच्छा है या इतना बुरा है आप ही को पता है कि मुझे क्या आता है मुझे क्या नहीं आता है तो वो चीज़ आप खुद का सिर्फ खुद ठीक कर सकते हैं स्वास्थ्य और पढ़ाई इन दोनों का आकलन सिर्फ आप कर सकते हैं राइट हम आपको राह दिखा सकते हैं सपोर्ट कर सकते हैं और प्रवचन दे सकते हैं जो हम दे दिए चलें शुरुआत करते हैं पहले तो देखो ये ऐप इंपॉर्टेंट है फ्री में हो रहा है डाउनलोड कर लो डाउनलोड बहुत सारा चीज़ यहाँ पर मैंशनड है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि करंट अफेयर्स का क्लास है ओके तो आपको पता है हमको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद है इसलिए आप लोग भी टाइम वेस्ट नहीं कीजिए सेशन को जल्दी से लाइक करें और हम लोग अब शुरू करते हैं ठीक ओके हां देखिए मैपिंग में दो दो जगह जो न्यूज में रहा वो मैं आपको दिखा दू पहले तो ये दो जगह जो था वो क्या है कि एक तो फॉकलैंड जो है ये आपका साउथ अमेरिका में यहाँ पे ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है तो ये वाला एरिया है राइट तो सोवरिनिटी ओवर फॉक आईलैंड तो यहां पे इसका जो आइलैंड दिख रहा है ठीक है ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम तो ये अर्जेंटीना बोलता है कि ये मेरा है और यूनाइटेड किंगडम कहता है कि नहीं ये तो मेरा है ठीक है इंडिया ने अर्जेंटीना को फेवर किया है एक चीज तो ये न्यूज में साउथ अमेरिका में है ठीक है दूसरा चीज आप देख सकते हैं ये जगह न्यूज में रहा ये क्या है जैपोरिजीजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ठीक है न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये और ये क्यों न्यूज़ में रहा क्योंकि रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे। फिर क्या हुआ रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे? एन इंस्पेक्शन टीम फ्रॉम आई एटॉमिक एनर्जी से एक इंस्पेक्शन टीम जो कि यूएन का वॉचडॉग है ये अपने रास्ते में था यूक्रेन में ये जगह है जैपोडिजीजिया और यूक्रेन और यूक्रेन एंड यूरोप्स बिगेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी एक्चुअली ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है ठीक है तो इसके सिक्योरिटी के लिए इसको कहा गया क्योंकि ऑलरेडी इस प्लांट को रशिया के ट्रूप्स ने एकवायर कर लिया था ठीक है तो दो जगह न्यूज़ में रहा यह मैंने आपको बता दिया है साथ ही साथ आप देखिए कि ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट यानी परसों हमने मनाया क्या राष्ट्रीय खेल दिवस तो आप बताएं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है वेन इज़ राष्ट्रीय खेल दिवस या नैशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इसका आंसर दीजिए जल्दी से बिल्कुल ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट को नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल मनाया जाता है और आप जानते हैं कि हम लोग इसको मनाते हैं मेजर ध्यानचंद्र जी के याद में फाइन फिर आप देखिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे स्मॉल इंडस्ट्री डे यानी कि लघु उद्योग छोटे छोटे जो इंडस्ट्री होते हैं लोग छोटे छोटे जो काम बिजनेस करते हैं व्यापार करते हैं बहुत लोगों को इससे फायदा मिलता है ठीक है लेकिन हम आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं ध्यान से देखिएगा ठीक है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट तो न्यूक्लियर टेस्ट लोग ना करें इसके खिलाफ एक इंटरनेशनल दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस अब आप बताएं कि ये किस दिन मनाया जाता है यस दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस इज से ये भी आपका मनाया जाता है ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट को ठीक है ये भी आपका ट्वेंटी नाइन ऑगस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कन्नौज में परफ्यूम टूरिज्म की बात चल रही है ये क्या हुआ? कन्नौज उत्तर प्रदेश में चल रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को ये दुनिया भर में फेमस कर देंगे अपने एक प्रोडक्ट के लिए अलीगढ़ का ताला या फिर पेठा है मथुरा का राइट आगरा का पेठा है तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ों को फेमस कर देंगे टेरा कोटा यानी मिट्टी से बने हुए जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं या वो वो होता है ना सामान रखने का एक भंडार तो वो टेरा कोटा गोरखपुर का फेमस है उसी तरह से ये कन्नौज है कन्नौज का परफ्यूम फेमस है तो आपसे पूछा जा रहा है परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन पर्पल कलर का क्या है देखो ना परफ्यूम बनाया गया उससे ठीक है इत्र मेरा मैसेज प्लीज देख लीजिए मैम हम देख रहे हैं तुम्हारा मैसेज शशिकांत ठीक है, है। मथुरा का भी पेड़ा है ओके okay. तो बिल्कुल कन्नौज में परफ्यूम टूरिज्म ये बनाया जा रहा है नेक्स्ट आप देखें नीति आयोग ने डिक्लेयर किया है हरिद्वार एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अब आप जानते हैं कि नीति आयोग जो कि थिंक टैंक है वो कह रहा है कि ये जो आपका हरिद्वार का डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में नहीं है उत्तराखंड में है उत्तराखंड का हरिद्वार का जो डिस्ट्रिक्ट है ये बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है तो अब आपसे हम इतना पूछ रहे हैं कि ये जो आकांक्षी जिला है जो नीति आयोग के तरफ से चुना गया है और ये ज़िला कौन सा है तो क्या बताएंगे हाँ बिल्कुल देवभूमि उत्तराखंड बहुत बढ़िया और गंगा यहीं से प्लेन में आती है यानी गंगा जो है वो जस्ट इसके ऊपर ही अलखनंदा और भागीरथी मिल जाती है और गंगा उतरती है प्लेन में यानी मैदानी क्षेत्र में तो ये हरिद्वार है और इसको चुना गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली में ये ताल हैंग अन, अनंगंग ताल ठीक है अनंग ताल और ये ये तोमर डायनेस्टी द्वारा बनाया गया है और अभी बोला गया है कि इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कौन सा ऐसा लेक है जिसको अभी मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया है और ये साउथ दिल्ली में है ठीक है साउथ दिल्ली में यह है दिल्ली को बसाया भी इन्होंने ही था जिन्होंने ये ताल बनवाया है तो ताल साउथ दिल्ली में है यानी लेक और इसको राजा अनंग पाल ने अनंग पाल तोमर ने बनाया है और इसको दिल्ली में ही दिल्ली के ये फाउंडर भी हैं क्लियर चले नागालैंड गेट्स इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन इन 119 साल ठीक है तो नागालैंड को क्या मिला अपना सेकेंड रेलवे स्टेशन मिला 119 साल बाद तो आपको बताना है क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको 119 साल के गैप के बाद अपना सेकेंड रेलवे स्टेशन मिला यह बताएंगे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोल है आई हैव डन इंस्पेक्शन ओके वेरी गुड शिवांश वर्मा जी तो ये नागालैंड है नागालैंड को एक साल बाद अपना रेलवे स्टेशन मिला है क्यों क्योंकि 1903 में दीपापुर रेलवे स्टेशन ऑलरेडी था नागालैंड में और अब एक नया रेलवे स्टेशन यहां पे बनाया गया है दोनी पोलोज एक्सप्रेस और ये कहाँ से शोकुवी रेलवे स्टेशन से इसको फ्लैग किया गया ठीक है शोकुवी इसको याद रखेंगे शोकुवी और पहले से क्या है दीपापुर ओके जूडो खेलने वाली ये बच्ची है चन्नाम बम, चन्नाम बम ठीक है और इन्होंने क्या करा है इन्होंने भारत के लिए पहली बार जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है क्या क्या है गोल्ड मेडल जीता है लिंथोई लिंथोई चिन्नाम बम ठीक है तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस बच्ची ने इतिहास रच दिया भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर गोल्ड मेडल जीतकर जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किसने जीता है भारत के लिए गोल्ड मेडल इनका इनका नाम क्या हो जाएगा गाइज और सबको इस सेशन को एक बार लाइक कर देंगे मैम मेरा सिक्स सेमेस्टर में एक पेपर कैरी लग गया है मैंने डीआरडीओ का फॉर्म नहीं भर सकता हूँ क्या आप मुझे लगता है कि भर दीजिए फॉर्म सिक्स सेमेस्टर में कैरी लग गया है तो भर दीजिए फिर देखिए उसका एग्जाम कब होता है क्या पता कि आपका रिजल्ट निकलने के पहले तक में हो जाए वो क्लियर राइट तो ये है लिंथोई लिन्थो, चिन्नाबम ठीक चले नेक्स्ट उत्तराखंड ने लॉन्च किया सीएम उद्यम उद्यम खिलाड़ी उन्याय योजना तो जो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं उत्तराखंड में उनको पुरस्कार मिल रहा है ठीक है तो ये आप देखेंगे ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धमी और उन्होंने मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन न्याय मतलब कि उनके उनको बेहतर और फैसिलिटी देने के लिए इस योजना को शुरू किया है और इसके तहत उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट ये खुलने वाला है कहाँ पे वेस्ट बंगाल में तो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट ये वेस्ट बंगाल में खुलने वाला है तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग कि कृष्ण पे आप जानते हैं कि एक स्कॉन सोसाइटी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस तो ये इसका सबसे बड़ा प्लानिटेरियम वैदिक प्लानिटेरियम ये वेस्ट बंगाल में खुलने वाला है ठीक है अगला आप देख सकते हैं कि एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है तो भारत में आप जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है और इंडिया में इतने सारे लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस कराया है कि वो लाइफ इंश्योरेंस के कारण चाइना और यूके भी इंडिया के पीछे हो गया है ठीक है तो टेंथ लार्जेस्ट में इंडिया में अपना नाम बना लिया है ओके okay. अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसे प्लेयर है हु इज़ द प्लेयर टू बिकम कि ये इन्होंने 100 मैचेस हर फॉर्म में खेल लिए हैं चाहे वो टेस्ट हो या ओ हो या टी ट्वेंटी हो तो ये कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने ये कर लिया है और देखिए एक पोल भी आ चुका है अब वेरी गुड बोला मैंने भी करवाया क्या मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर अच्छा विष्णु भगवान मंदिर ममता बनर्जी इट इज़ इन माई सिटी वेरी गुड ओके okay. तो कौन से ये प्लेयर हैं ये प्लेयर हैं विराट कोहली बहुत बढ़िया विराट कोहली जो हैं वो तीनों मैच तीनों एक फॉर्म में सौ सौ मैच खेल चुके हैं और वर्ल्ड में ऐसा करने वाले रॉस टेलर हैं जो कि न्यूजीलैंड में विराट कोहली वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ गए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है टॉप पे इन ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग तो ग्लोबल लीडर का जब बात चल रहा है तो टॉप पे कौन से लीडर हैं क्या ये जो बिडन है जो कि अमेरिका के हैं मारियो डागरी हैं या एंड्रेस ओब्रेडर हैं या मोदी जी हैं तो ये कौन हैं ये हैं नरेंद्र मोदी और मोदी जी ने फिर से टॉप कर लिया है 75% परसेंट के साथ इन्होंने टॉप किया है कि ये ग्लोबल लीडर हैं ठीक है ठीके? ग्लोबल लीडर हैं और इनके बाद मेक्सिका मेक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज और ओबरेडर हैं और उसके बाद इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो डैगरी ठीक है तो 75 परसेंट वोट मोदी जी को मिला एंड्रेस लोपेज ओबरेडर को 63 परसेंट और 54 परसेंट वोट मारियो डैगरी को मिला और द लिस्ट हैज़ फीचर 22 लीडर्स जिसमें से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन जो हैं वो फिफ्थ पोजीशन पे हैं और इनको 41 परसेंट वोट मिला है तो मोदी जी जो है टॉप पे हैं देख लो चलें नेक्स्ट इंडियाज शेयर्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क सोल्यूशन तो ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आर ए एन रेडियो एक्सेस सोल्यूशन नेटवर्क भारत का पहला ये कहाँ पे बनने वाला है क्या ये कोलकाता में है, है ना या न्यू दिल्ली में है मुंबई में है या पुणे में ग्लोबल लीडर का मतलब कि दुनिया में जितने भी लीडर हैं जो भी लोग मतलब कोई कंट्री को लीड कर रहे हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उसमें सबसे फेमस कौन है वो तो उसमें मोदी जी आए हैं ठीक है ठेके? और मोस्ट बिल्कुल बेटा इमानुअल मैक्रॉन मैक्रॉन अब नहीं है ठीक है इमानुअल मैक्रॉन का नाम मैंने कहाँ लिया है मैंने लिया है इटालियन प्राइम मिनिस्टर मैडियो डैगड़ी का नाम ठीक है और मोदी जी ने ग्लोबल रेटिंग में टॉप किया है और इसके बाद मेक्सिको फिर इटली और फिफ्थ पोजीशन पे अमेरिका है ओके चले तो ये रेल टेल रेल टेल ने इसको शुरू किया है और आपको बताना है किस शहर में शुरू हुआ है तो बिल्कुल आप लोग का सही अंदाज़ा कि हाँ ठीक है ओके okay. हाँ दिल्ली ठीक तो so, ये रेल टेल ने इसको शुरू किया है इसको आप देख सकते हैं और रेल टेल और रेडियो एक्सेस नेटवर्क ने मिलकर इसको शुरुआत की है इसकी द थर्ड इंडिया मॉरिशस ज्वाइंट कमेटी मीटिंग ऑन एम एस एम ई तो एम एस एम ई में इंडिया और मॉरिशस की साथ में मीटिंग हो रही है ठीक है अब आपको बताना है कि इंडिया और मॉरिशस की जो साथ में मीटिंग हो रही है इंडिया मॉरिशस जॉइंट कमिटी मीटिंग तो ये कहाँ पे हो रही है बिल्कुल तो ये भी कहाँ ये दिल्ली में है इंडिया और मॉरिशस की जॉइंट कमीशन की मीटिंग फिर आप देख सकते हैं कि ए आई कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्वीडन स्वीडन और इंडिया ने एक समझौता किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सस्टेनेबल एविएशन टेक के लिए ताकि जो एविएशन कंपनी है वो लोग और बेहतर परफॉर्म कर सकें और हम लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें उड़ने का एल टी टेक्नोलॉजी इवेंट्स फाइव ईयर डील विथ बी एम डब्ल्यू ग्रुप इन इन्फोर्नमेंट सेक्टर तो इन लोगों का अपना चल रहा था एक डील जो कि अब एल टेक्नोलॉजी जीत चुका है BMW से संतोष अयर, ये भारत इंडिया के ये बन गए हैं एम डी एंड सीईओ ठीक है इसको आप ध्यान रखेंगे संतोष अय्यर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नीति आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 500 अटल थिंकिंग लैब बनाएंगे ताकि बच्चे जो हैं वो साइंस के प्रति और जागरूक हों मिस इंडिया यूनिवर्स 2022, मिस डीवाई यूनिवर्स 2022। तो कर्नाटका की हैं ये दिव्यता राय और इनको क्राउन किया गया है तेईस साल की हैं और इनको क्राउन किया गया आ, पहले इसके पहले मिस यूनिवर्स 2021 हज़ार इक्कीस हरनाश संधु थी और अब इनको इस सेरेमनी में क्राउन किया गया है ठीक है इसका नाम आप ध्यान रखेंगे इनका दिविता राय नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है परिवार कल्याण कार्ड पी के सी स्कीम परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा है बिल्कुल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको मिल जाते हैं पीडीएफ आप एक बार चेक कर लेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा हाँ ठीक है तो ये परिवार पे बात चल रही है और ये उत्तर प्रदेश ने एक फैमिली आईडी कार्ड लॉन्च किया है जिसमें फैमिली के बारे में सारा डेटा बेस रहेगा ताकि जो भी उनको फायदा हो उस कार्ड से पता चल सके एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है साइक्लोन कैसे आता है इसको समझिएगा ज़रा साइक्लोन को एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा ठीक है यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि ये भारत ठीक भारत के पास में दो सी है एक कौन सा सी है एरेबियन सी है रेबियन सी है ठीक है और एक कौन सा सी है तो बे ऑफ बंगाल है तो जनरली ये बे ऑफ बंगाल में आता है अब इसमें क्या होता है देखें, मान लीजिए ये पूरा समुद्र है ठीक है और समुद्र के बीचों बीच में अचानक से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया समुद्र के बीचों बीच में क्या हुआ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया ठीक है फिर क्या होगा जब मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ का प्रेशर अचानक से कम हो जाता है तो यहाँ का प्रेश टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और यहाँ पे प्रेशर अचानक से कम हो गया अब कोई भी फ्लूड यानी कि हवा या पानी क्या करता है जब भी यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो हवा जो है वो इसकी ओर आने का कोशिश करेगा ताकि ये जो लो प्रेशर बना है उसको ख़त्म किया जा सके तो लो प्रेशर को खत्म करने के लिए हवा उसके तरफ आने की कोशिश करेगा फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे लो प्रेशर है और यहां पे सब हवा जो है हाई प्रेशर से इसकी ओर आकर इसको भरने की कोशिश कर रहा है। फिर हम आपको पढ़ा चुके हैं कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस फोर्स में क्या होता है कि जब भी ऐसा होगा तो हवा ऑटोमेटिकली घूमने लगेगा घूमने लगेगा कॉरियोलिस फोर्स हम बताएं ना कि नॉर्थ में हवा जो है वो अपने right राइट वर्ड घूमता है और साउथ uh, में जो हवा है अपने लेफ़्ट वर्ड घूमता है ये आप जानते हैं ठीक है तो इस कारण से यहाँ पे क्या होगा साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा अब आपसे पूछा जा रहा है मा ऑन मा ऑन साइक्लोन जो है ये कहाँ आया है तो मा ऑन साइक्लोन फिलीपींस में आया है फिलिपिन्स में ये आया और लुजॉन आइलैंड यहाँ पे है फिलिपिंस में जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर गया ठीक हाइएस्ट मार्केट शेयर ऑफ डेबिट कार्ड तो यह भी आपको बताया जा चुका है कि सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड किस बैंक का है अगर आपसे हाइएस्ट मार्केट शेयर पूछा जाएगा तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो जितने भी लोगों के पास डेबिट कार्ड है भारत में उसमें से 30 परसेंट लोगों के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है ठीक है आ, भले इसको थोड़ा कम होते जा रहा है पहले और ज़्यादा था लेकिन अभी इतना है और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का है और फिर बैंक ऑफ इंडिया का और फिर केनरा बैंक का है लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक में देखेंगे तो एच है और फिर एक्सिस बैंक है ठीक है थर्टी मीटिंग ऑफ मिनिस्टीरियल लेवल रिवर कमीशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश तो भारत और बांग्लादेश के बीच में रिवर कमीशन की मीटिंग हो रही है और ये थर्टी मीटिंग है ठीक है तो थर्टी मीटिंग जो ये हो रही है और हम जानते हैं कि फड़क्का बैराज है आप लोग में से भी बहुत लोग का पोस्टिंग होगा फड़, फड़क्का बैराज में ठीक है तो यहाँ पे हम रिवर को शेयर करते हैं ब्रह्मपुत्र है जिसको जो वहाँ जाती है भारत में गंगा नदी है जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं ब्रह्मपुत्र और पद्मा मिलके ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलके मेघना कहलाती है ये सब आप जानते हैं राइट तो ये मीटिंग जो है ये कहाँ होने वाली है ये दिल्ली में होने वाली है मीटिंग क्लियर तो एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अच्छा एक सेकेंड तो यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि देखिए भारत से गंगा नदी जाती है और ये जब बांग्लादेश चली जाती है तो ये पद्मा नदी कहलाती है और बांग्लादेश में एक और नदी आकर मिलती है इससे जिसको आप ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और इन दोनों के मिलने के बाद यही नदी जो है मेघना नदी कहलाती है ये आपसे पूछा जा सकता है ओके okay. नेक्स्ट आप देखें मोदी जी ने शुरुआत कर दी है खादी उत्सव की क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मोदी जी ने खादी उत्सव कहाँ पे शुरू किया है तो ये शुरुआत की है कहाँ पे अहमदाबाद में साबरमती नदी के फ्रंट पे साबरमती नदी के किनारे खादी उत्सव की शुरुआत कर दी गई है वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है तो वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में तो ये कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र प्रहार नेक्स्ट इंग्लैंड के जेम्स एडर्सन बिकम मोस्ट सक्सेसफुल पेसर इन इंटरनेशनल क्रिकेट पेसर यानी कि फास्ट बॉलर राइट तो ये इंग्लैंड के हैं जेम्स एडर्सन और ये मोस्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं एन जो कि जितना भी हमारे जितना भी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है ऑनलाइन पेमेंट जितना भी होता है उसका सब का हेड कौन है एन है तो इसने आई बैंक के साथ कोलेबरेट किया है और ये आई बैंक क्या देगा आप लोगों को रुपए कार्ड्स रुपए क्रेडिट कार्ड देगा ठीक है नेक्स्ट आर बी आई ने एक लिस्ट निकाला है जिसमें फ्रॉड का नाम रजिस्टर्ड है तो ये ब्लैक लिस्ट है और ये लिस्ट में जितने लोगों का नाम है बैंक उनको लोन नहीं देगी स्कैमर्स और फ्रॉड लोगों का नाम है इसमें ठीक है बी डब्ल्यू एफ ठीक है बी डब्ल्यू एफ़ चैम्पियनशिप विक्टर एक्सेलसन जीत चुके हैं ये बैडमिंटन का कप होता है ठीक है बी डब्ल्यू एफ नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें मैक्स वर्सटिन इन्होंने बेल्जियन एफ वन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है इनका नाम क्या है मैक्स वेस्टेपन अब आपसे पूछा जा रहा है कि मोदी जी ने कल हमने, हमने ये पढ़ा है कि मोदी जी ने एक पेडिस्टेरियन ब्रिज इसको इनाग्रेट किया है यहाँ पे लोग सिर्फ पैदल चल सकते हैं इस ब्रिज पे और आपको बताना है कि किस नदी के किनारे इसको इनाग्रेट किया गया है चलें और जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे गाइज ताकि मुझे पता चल सके कि आपको सेशन पसंद आ रहा है चीज चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही हैं और अगर मैं इस वीक के एंड में इसका एक प्रॉपर रिविजन करा दूँ तो आप ये सारे क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे तो इसलिए आप सेशन को लाइक कर देंगे फटाक से तो ये भी साबरमती आश्रम के पास है साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद में है अटल ब्रिज ठीक है स्मृति वन मेमोरियल स्मृति वन मेमोरियल ये आप बताएं कि मोदी जी ने इनाग्रेट किया है किस स्टेट में इनाग्रेट किया है तो कॉमन सेंस है कि मोदी जी जो हैं वो अभी इसी स्टेट में जाके सब चीज़ इनाग्रेट कर रहे हैं तो ये भी इन्होंने यहीं पे कर दिया है तो स्मृति वन मेमोरियल इसको गुजरात में मोदी जी ने इनाग्रेट किया है क्लियर है गुजरात में गुजरात का जो कच्छ रिजन है और वहाँ पर दो में बहुत भयंकर अर्थ आया था यहाँ पर स्मृति वन मेमोरियल इसको इनाग्रेट किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहता है कि हम दो लाख करोड़ अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम नेट ज़ीरो ऑपरेशनल कार्बन एमिशन तक पहुंच सकते हैं यानी कि जितने भी कार्बन हम आ, एमिट कर रहे हैं उसको हम आपस में कंज्यूम मतलब कर लेंगे तो इसके लिए हमें कुछ अच्छा निवेश करना पड़ेगा ऐसे भारत तो कहता है कि ये 2017 तक होगा लेकिन अगर आपसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पूछा जाएगा तो ये है 46, 46. तो ये जो हम अपना टारगेट रखे हैं सेवेंटी का ये कह रहे नहीं हम फोर्टी सिक्स तक ही कर देंगे एक अच्छे निवेश के बाद ठीक क्लियर ओके नेक्स्ट आप देखिए कि 551 ब्रांचेस अब ये भी हम लोग कल पढ़े थे कि ये बैंक है और ये बैंक क्या कर रहा है कि अपने बैंक के ब्रांचेस का 551 हंड्रेड ब्रा, बैंक ब्रांचेस इसको ये ओपन करने वाला है क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये जो बैंक ब्रांचेस है ये कहाँ ये कौन सा बैंक है जो ओपन करने वाला है 551 ब्रांचेस बंधन बैंक इसको ओपन करने वाला है देशभर में ठीक है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईडीएफसी अब ये भी कला हम लोगों ने पढ़ा है आपको याद होगा कि ए, ये जो आई है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं महेंद्र एन शाह महेंद्र एन शाह नेक्स्ट विच कंट्री ये जो एशिया कप चल रहा है ये कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है विच कंट्री प्लेस टू होस्ट द एशिया कप जिसमें हमारे क्रिकेट uh, टीम के कोच हैं वी वी लक्ष्मण क्योंकि अभी राहुल हैज़ बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव तो ये एशिया कप कहाँ हो रहा है ये यूएई में हो रहा है ठीक है यूएई में हो रहा है फर्स्ट मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में था नेक्स्ट विच एयरलाइन बिकम्स द फर्स्ट एयरलाइन टू यू सी ए आई ट्रेनिंग सिस्टम तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ये एयरलाइन अपने फ्लाइट्स को भेज रहा है क्या आप कंपनी का नाम बता सकते हैं तो ये एयरलाइन कौन सा है एयर एशिया एयर एशिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ट्रेनिंग सिस्टम ताकि ये एयरलाइन को ट्रेन कर सके तो इसको ये भेज रहा है ये एयर एशिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बन गए हैं हमारे 49 नाइन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब आपको याद हो चुका है है ना तो दो तीन बार हम पढ़ चुके हैं और हमको पता है कि हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल चुके हैं और कौन बन गए हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गाइज सो वी कैन टेल दिस इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से बताएंगे ठीक है उदय उमेश ललित उदय उमेश ललित हमारे फोर्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है तो चीफ जस्टिस के साथ साथ बाकी जजेस को भी और यहाँ पे ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको ओथ दिलाया है महाराष्ट्र टू गेट इट्स फर्स्ट दिव्यांग पार्क तो महाराष्ट्र में दिव्यांग पार्क खुलने वाला है क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि महाराष्ट्र में दिव्यांग पार्क कहाँ पे खुलने वाला है क्या ये पुणे है नागपुर है मुंबई है या अमरावती है तो महाराष्ट्र में ये खुलने वा बोलना मत कि मैम अमरावती तो आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र में भी एक अमरावती है ठीक है हाँ तो नागपुर में ये खुलने वाला है इसको आप याद रखेंगे और ये दिव्यांग लोगों के लिए है सेंसरी गार्डन होगा यहाँ पे, टेक्सटाइल का बना हुआ मतलब कि एकदम तो सॉफ्ट सा पाथवे होगा और स्मेल गार्डन होगा अच्छा स्मेल आएगा ट्रेनिंग फैसिलिटी होगी रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी होगी और स्पोर्ट्स भी खेले जाएंगे यहाँ पे ठीक है चलें फिर आप देखिए बिहार असेंबली में स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली अब बिहार में भी बहुत सत्ता पलट हो चुकी है पहले डबल इंजन की सरकार थी अब चाचा भतीजे की सरकार आ चुकी है तो मेंबर uh, तो बदलेंगे ही कुछ कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा वैसे बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है तो पूरा यूनानिमसली यानी कि पूरे मेजोरिटी के साथ इनको बनाया गया है अध्यक्ष और विधानसभा का इनका नाम क्या है बिल्कुल अवध बिहारी चौधरी इनका नाम है और इनको बना दिया गया है ठीक है क्योंकि विनय कुमार सिन्हा जी जो हैं वो अब महागठबंधन की जो सरकार है इनको हटा दिया गया तो ये हट गए यहाँ से डबल इंजन खत्म हो गया चाचा भतीजे आ गए हैं बिहार में भी बहुत अभी खेला चल रहा है ठीक अब नीति आयोग कह रहा है कि भाई हम तो बनाएंगे पाँच अटल थिंकिंग लैब क्या आप सुने हैं और शायद आज ही सुने हैं शायद दस मिनट पहले ही सुने हैं क्या कि ये जो नीति आयोग अपना अटल थिंकिंग लैब बना रहा है ये कहां पे बनाने वाला है 500 सौ हाँ मेरी बात बार बार याद सुन लीजिए और हम एक वीक में दो बार रिवाइज कर देते हैं सैटरडे को एक बार और रिवाइज कर देते हैं तो आप बार बार अगर मेरी बात सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा ठीक है तो ये आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर 500 अटल थिंकिंग लैब जम्मू कश्मीर में नीति आयोग बना रहा है ओके विद स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बैंड बेनियल बैनर्स अब ये क्या है बेनियल बैनर ये क्या है और ये कौन सा स्टेट है जिसने इतना कोई खतरनाक चीज़ है कि बैन कर दिया है तो देखते हैं आइए देखते हैं तो बेसिकली आंध्र प्रदेश ने कहा है कि व, विनायल है बेसिकली ठीक है ठीके? विनायल बैनर्स जो कि प्लास्टिक अ पार्ट ऑफ डिराइव अगेंस्ट प्लास्टिक प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए जो बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगते हैं तो इसको अब क्या किया गया है इसको अब आंध्र प्रदेश में बैन किया गया है ओके okay. डीआरडीओ ने टेस्ट कर लिया अपना पिनाका कल हम लोगों ने फोटो भी देखा था कि डीआरडीओ ने जो ये पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम को टेस्ट किया है क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है पोखरण तो चलो ठीक है लेकिन किस स्टेट में टेस्ट किया गया है हाँ पोखरण पोखरण है राजस्थान में और राजस्थान में इसको टेस्ट किया गया है डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट मिसाइल सिस्टम को यहाँ पर टेस्ट किया है लॉसेंट डायमंड लीग तो अब आप बताएं कि ये जो लॉसन डायमंड लीग है इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? लॉसेन डायमंड लीग को जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है तो ये है नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रच दिया क्योंकि इन्होंने भारत के लिए ये लॉसेन लॉस लॉसैन एज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने जीत लिया है इसको और ये जूरिक में हुआ था जूरिक इज इन स्विट्जरलैंड और अब भारत में ये फर्स्ट ऐसे बन गए इंडियन स्मॉल इंडस्ट्री का डे 30 अगस्त को ये सेलिब्रेट होता है ये आप जानते हैं अब आपसे पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में कि हर साल जो लघु उद्योग दिवस है भारत में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्री डे है ये 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है ये आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में वेरी गुड इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ इन्फोर्स डिसपेयरेंस तो किसी कारण से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना पड़ता है है ना और ये गायब हो जाते हैं इसके लिए 30 अगस्त का दिवस है ताकि हम उन लोगों को याद करें और उनके लिए न्याय ले तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो पीड़ित लोग जो कि विक्टिम है इनफोर्स ये दिवस किस दिन लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है तो ये है किस दिन देखिए आप लोग याद करें ना करें हम एकदम रोज आपको एज ए चम्मच में दवाई डाल के याद करवा देंगे दिवस कम से कम एग्ज़ाम में मेरा बेजती तो निकलवाओगे कम कुछ ना कुछ दिमाग में कहीं तो स्ट्राइक कर जाएगा कि अच्छा मैम ऐसे लिखवाई थी तीस अगस्त लोग जो गायब हो जाते हैं इनफोर्स फोर्स हो जाता है याद आ गया अब देखिए बहुत आप लोग हर जगह कचरा फेंकते हैं जाते हैं बीचेस में घूमने के लिए और उसके बाद सोचते हैं कि लेस का पैकेट वहाँ ड्रिंक का पैकेट यहाँ बहुत लोग तो बियर वियर भी पी के इधर उधर फेंक देते हैं हाँ तो ये इसे क्या हो रहा है कोस्टल क्लीन अप कैंपेन शुरू करना पड़ रहा है कि आप लोग घूमने तो चले गए लेकिन तट को पूरा गंदा कर दिए तो अब उसके लिए हमने क्या किया एक वेबसाइट लॉन्च किया है अब आप बताएं कि क्या ये स्वच्छ सागर है कि स्वच्छ भारत है कि स्वच्छ जल है कि स्वच्छ नदी है सब में क्या है डॉट ओ आर जी हाँ ठीक है डॉट ओ आर जी तो ये कौन सा है ये है स्वच्छ सागर अरे एकदम ही आसान बात था ये क्योंकि अगर आप कोस्ट गंदा करेंगे तो सागर ही ना गंदा हुआ तो स्वच्छ सागर ही होगा ठीक है अब आप देखेंगे नया मॉडल इसको भी पढ़ा चुके हैं गलत मत बताइएगा तो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स प्रपोज बाय इंडियन गवर्नमेंट तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि नदी को साफ करना है नदी से काफ़ी जीवन के अंत तक आपके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे उनके, उनके, बच्चे, उनके, उनके बच्चे जब तक इंसानियत है तब तक क्या होगा नदी का जरूरत पड़ेगा इंसान जानवर पेड़ पौधा सब कुछ तो उसको साफ़ सुथरा करना ज़रूरी है कि नहीं है उसके लिए नया मॉडल आया है अर्थगंगा मॉडल पढ़ चुके हैं हम लोग अर्थगंगा मॉडल है ना हम आपको बताए हैं तो अर्थगंगा मॉडल ताकि लोग भी आए ऐसा नहीं सोचा सरकार का काम है सरकार बड़ा काम बेकार कर रही है ये देखिए ना ये गंदा है वो गंदा है आपके पास भी हाथ पैर है ना उठ के थोड़ा सा साफ़ कर दीजिए आपकी ही गंगा नदी है उसी तरह से बाकी नदियों को भी हम साफ़ करेंगे ठीक नेक्स्ट आप देखिए कौन से फर्स्ट फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने अभी क्या करा है 950 विकेट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में तो अभी हमने उनका फोटो भी आपको दिखाया है ये भी बताया कि वो इंग्लैंड के हैं यह भी बताया कि मोस्ट सक्सेसफुल हैं ये भी बताया कि, कि इनका नाम याद रखेगा और अब तो याद हो ही गया होगा है ना ठीक है तो ये जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में गाइस कि इनका नाम क्या है इनका नाम है जेम्स एंडरसन जेम्स एंडरसन जो हैं ये पहले ऐसे फास्ट बॉलर है हमको भी फास्ट बॉलर बड़ा पसंद है हमको पहले ब्रेटली पसंद थे फिर सोएब अख्तर पसंद थे तो हमारे जमाने में यही सब होते थे अब तो हम नहीं देखते उतना क्रिकेट ठीक जब राहुल द्रविड कैप्टन हुआ करते थे जब घर में सबको ऐसे टीवी पे बैठ के देखता था जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन वही देखना था क्योंकि मैच चल रहा था तब हम देखते थे अब तो ऑप्शन है अब अगर भाई या पापा जो है वो हॉटस्टार पर देख रहे हैं, तो हम अपना नेटफ्लिक्स देख सकते हैं सही ठीक तो इसीलिए जो दुख में हम देखे उससे हमको बहुत ज्ञान हो गया तो ये फास्ट बॉलर हैं ये इनका नाम है जेम्स एडरसन और इन्होंने ये मैकरात का हाँ ऑस्ट्रेलिया में बड़े अच्छे अच्छे गिलस्पी थे मैकरात थे और भी दो तीन थे डिकिंग पॉइंटिंग थे तो ये मैकरात का इन्होंने स्कोर तोड़ दिया वाह सही अब आप देखें एस बी एस ई -E बी जो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट ये सब होता है ना तो उसका जो सबसे हेड वाला बॉडी होता है जो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे जितना बैंक है वो किसके नॉर्म्स पे चलता है वो आरबीआई उसका हेड हुआ तो जितना भी ये सब जो चीज़ है शेयर मार्केट या ये सब तो उसका हेड है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी तो सेबी के होल टाइम मेंबर बन चुके हैं कौन इनका नाम है नारायणन गोपाल कृष्णन अनंत नारायणन गोपाल कृष्णन ये मेंबर बन गए हैं सेबी के ठीक है अब आप बताएं मिस जीवा यूनिवर्स 2022 का टाइटल किसने जीत लिया है मिस जीवा यूनिवर्स 2022 का टाइटल किसने जीत लिया है <laughs> बोल रहा है बड़ा नाम जो भी होगा उसका टिक कर देंगे मैम न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है आ, न्यू बैच 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है ठीक है एक दो आपका बच गया होगा सेशन उसको आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं चलिए बढ़िया ये आंसर तो आपको पता ही है फोटो भी दिखा दिए ऐसे भी लड़के और लोग का नाम आप बोलते नहीं वाह देखो नाम के साथ हार्ट का ऐसे भेज रहे हैं जैसे तो मैं चाचा की बेटी है चलें दिविता राय राय जो हैं ये कर्नाटका की हैं तेईस साल की हैं और ये जीत चुकी हैं नेक्स्ट हु हैज बीन अप्रूव्ड एज द थर्ड पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट ऑफ सेवन एटी स्ट्राटेजिकली इंपॉर्टेंट लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट सबसिस्टम एंड कॉम्पोनेट तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है इसका बात क्या है मैं इसको समझा देती हूँ ठीक है तो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी और ये कह रहे हैं कि देखिए अब हमको डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है पहले तो बहुत सारा स्ट्राटेजिक जो इम्पोर्टेंट लाइन है रिप्लेसमेंट है सब यूनिट सिस्टम है इन चीज़ों को चेंज करना है बेहतर बनाना है तो इसके लिए ये जितना भी डिफेंस सिस्टम है उसको राजनाथ सिंह जी उस पर टिक कर दीजिएगा अभी आपने फ़ोटो भी देखा है और मुझसे सुना भी है कि बेल्जियन फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स एवार्ड

यहाँ पे हम आप लोग के हक के लिए लड़ते रहते हैं इतने बड़े फेमिनिस्ट हैं हम और आप लोग मेरे सेशन में आंसर मत दीजिए हाँ, तो ये ये कौन है मैक्स वेस्टेपेन है मैक्स वेस्टेपेन बेल्जियन फॉर्मूला वन में आ चुके हैं चाइल्ड सेफ्टी टूल किट साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम तो बच्चों के लिए एक चाइल्ड सेफ्टी टूल किट बना ताकि क्या हो कि हम जो छोटे छोटे -चुट बच्चे होते हैं ऐसे ही ये लोग जो हैं इंटरनेट पे चले जाते हैं फिर किसी के विक्टिम बन जाते हैं या फिर किसी तरह ट्रैप हो जाते हैं तो उसके लिए कौन से कंपनी ने उनको स्किल अप्रूव करने के लिए दिया है तो ये है गूगल गूगल क्या चाह रहा है कि अब हम थोड़ा सा इंटरनेट को सेफ बनाएं जो लोग डर जाते हैं कि अरे भाई बहुत ख़राब चीज़ है और ये सब तो वो सिस्टम हमारे देश से चला जाए और इसीलिए देश से क्या दुनिया से चला जाए ओके अब आप देखें कि इलेक्टेड ट्रेजरर तो क्या होता है कि जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं एक सेक्रेटरी होते हैं महासचिव और एक ट्रेजरर होते हैं तो ट्रेजरर किसको बनाया गया है अनुराग शर्मा जी जो कि लोकसभा के एमपी हैं कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ कहाँ हो रहा है कॉमनवेल्थ वो सारे देश होते हैं जिस जो कभी ना कभी गुलाम रहे हैं इंग्लैंड के तो उनकी मीटिंग चल रही है कनाडा में कनाडा में अनुराग शर्मा जी को यहाँ पर ट्रेजरर बनाया गया है पार्ले फॉर द ओशन टू सेव सी फ्रॉम पल्यूशन तो क्या हो गया है समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने महासागर रो के लिए पार्ले के साथ पार्ले कंपनी है समझौता की अज्ञापन किया है और उस पर हस्ताक्षर किया है तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पार्ले के साथ यहाँ पे ये गठबंधन कर रहा है यह स्टेट है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ने पार्ले कंपनी के साथ जो कि अमेरिका का कंपनी है उसको बोला है कि हाँ ठीक है हम आपका साथ देंगे लेकिन ये कचरा को एकदम साफ़ करना है चकाचक कर देना है ठीक है हाउ मैनी स्टेट्स हाउ मेनी ईयर्स प्रधानमंत्री जनधन योजना देखिए इसके बारे में देखेंगे आज ठीक है तो एक स्कीम भी देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत एकदम उससे आया था ढोल नागा उस टाइप से कि सब कोई अपना अकाउंट खुलवाएंगे हम भी खुलवाए थे प्रधानमंत्री जनधन योजना में कि पंद्रह लाख रुपए मिलेगा फिर हम भी कुछ करेंगे अलग लेकिन क्या ही बोलें छोड़ो तो ये दुख की बात है लेकिन खैर इसको कितना साल हो गया था कि दो हजार चौदह में शुरू हुआ था तो गिन लो आठ साल हो गया ठीक है दो में शुरू हुआ था बहुत लोगों ने अपना आप लोग भी खुलवाए थे क्या अपना अकाउंट ठीक नेक्स्ट ओके पंद्रह लाख का साढ़े पंद्रह लाख का नुकसान तुम मेरे घर में चार आदमी है तुम सोच लो मेरे मेरे को कितना अगर पंद्रह भी ले लो साठ लाख रुपए का नुकसान लेके अभी हम बैठे हैं खैर वेहीकल मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी कंप्लीट कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स मारुति सुजुकू सुजुकी बहुत दिन से चल रहा है ये भी गाड़ी कितना साल हो गया तो देखो तुम लोग बहुत छोटे हो अभी चालीस साल हो गया इसका ठीक है मारुति सुजुकी का चालीस साल हो चुका है ठीक अब देखिए यही अटल ब्रिज बहुत सुंदर लग रहा है इस पे ऐसे ना पैदल चलिएगा साइकिल और घा गा, गाड़ी घोड़ा लेके मत चढ़ जाइएगा पैदल चलना है ये साबरमती नदी है शहर का नाम है अहमदाबाद मोदी जी जाके इसको मस्त एकदम इनोग्रेट कर दिए ठीक अब देखिए यही है जिससे नुकसान हुआ है लेकिन पढ़ना है सिलेबस में है आ सकता है सवाल सुनो ध्यान से प्रधानमंत्री जनधन योजना पहला पूछेगा क्या कि किस मंत्रालय के अंदर था ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर था ठीक है कितना साल हो गया आठ साल हो गया क्या क्या होता था इसमें इसमें तो पहले बोला कि देखो जितना भी लोग है दुनिया में दुनिया में नहीं भारत में तो भारत में जितना भी लोग है पहले तो उसको बैंक में जबरदस्ती मतलब जब, कि अकाउंट खुलवाइए बस ठीक है तो सबको अपना अपना अकाउंट खोल लिया इसमें फिर क्या बोले कि इनको आदर डलवाइए कि सेविंग करेंगे ताकि ये नहीं कि खर्चा ही कर दे तुरंत सेविंग करेंगे और ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी भी दिया गया ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है कि बोलते हैं कि देखिए आपको अगर ज़रूरत है ना तो उसमें से आप पैसा निकाल भी सकते हैं अच्छा फिर फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम ये ज़रूरी चीज़ था हमको भी पता हम सच बता रहे बहुत अभी तुरंत हमको पता चला है वो फ़ोन पे पेटीएम ये सब तो ये अच्छा चीज़ था है कि फ़िनैनशियल लिटरेसी प्रोग्राम सबको पता चला पैसा निकालना कैसे डालना है आप तो अब तो कर लेते हैं सबको ये कर लेते हैं तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फ़ंड पेंशन फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर फिर बोला गया कि आपको हम पेंशन भी देंगे आप कुछ कुछ पैसा जमा कीजिएगा तो सरकार भी अपने हिसाब से कुछ कुछ पैसा उसमें देगा और जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के यानी कि आपको पेंशन वेंशन मिलेगा नहीं तो सरकार के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पेंशन मिल जाएगा ठीक है तो बूढ़े लोग के लिए अच्छी बात है ये इंश्योरेंस बोथ एक्सीडेंटल एंड लाइफ कवरेज अब देखिए इसमें वो बोले थे कि जनधन योजना और सुरक्षा योजना लेकिन हम सही बता रहे हैं हमको मतलब बहुत कष्ट होता है ये सब निकालने में एक तो बताइए किसी के घर में डेथ हुआ उसके बाद वो निकाले फिर वो बोले कि नहीं एक्सीडेंटल डेथ नहीं है एज पे नहीं हुआ है हार्ट अटैक को कंसिडर नहीं करते हैं ऐसा बहुत सारा उसमें वो है तो इसमें इंश्योरेंस है देखिए स्कीम बड़ा अच्छा है लेकिन अगर आप लोग जब ऑफिसर बनिएगा तो एक बात कोशिश कीजिएगा कि जो भी गरीब लोग हैं और जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये स्कीम जो अच्छा स्कीम है उसका फ़ायदा मिले क्योंकि ये सब स्कीम तो कागज़ पत्तर पे सब है लेकिन कुछ होता नहीं है खैर हम लोगों को जितना पढ़ना हम लोग पढ़ चुके हैं अब आप जल्दी से बताइए कि बास्केटबॉल का चैंपियनशिप होने वाला है भारत में ये थोड़ा सा रिविज़न हम कर देते हैं मेरे साथ रहिएगा तो करंट अफेयर्स हम रटा जाएगा दिन रात यही समझ में आएगा ये जो बास्केटबॉल है ये कहाँ पे होने वाला है ठीक है आज तुमको हम बताते हैं ऐप पे हम कैसे पढ़ाते हैं आ जाओ तुम आज ऐप ऐप पे आप पे कभी कभी हम डांट देते हैं क्योंकि वहां पर मेरे को ज्यादा चीजें पढ़ानी होती हैं और आप लोग फिर बात करने के मूड में आते हैं कि और बताइए मैम क्या हाल चाल शादी ब्याह कब हो रहा है तो फिर तो डांटेंगे ही ना ठीक तो यह है राज, राजनाथ सिंह कहाँ से आ गए ये बेंगलुरु में हो रहा है ये मैच हाँ तो ये मैच कहाँ हो रहा है बेंगलुरु में हो रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट है कि ग्रामीण आजीविका पार्क तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कह रहा है कि भाई हम इंडस्ट्रियल पार्क खोलेंगे लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ही खोल देंगे तो ये कहाँ हो रहा है छत्तीसगढ़ में हो रहा है ठीक है फिर आपसे पूछा जा रहा है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से किसानों को बीज कौन देगा तो बीज कौन देगा ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से ये देगा आपका छत्तीसगढ़ ठीक छत्तीसगढ़ जो है वो नहीं सॉरी झारखंड बीज देगा यहाँ पे देखिए झारखंड बीज देगा हम इस पर टिक कर देते हैं आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि आ, जो आंसर्स हैं वो ऊपर नीचे हैं ठीक है ओके तो इसका आंसर देखिए बेंगलुरु है ओके नेक्स्ट आप देखिए इसका आंसर छत्तीसगढ़ है रूलर पार्क के लिए फिर आप देखें इसका आंसर जो है वो झारखंड है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से किसानों को बीज देने की बात कर रहा है ओके फिर श्री मैडम इसकी ऑथर कौन है तो ये वन से फाइव आईपीएस ऑफिसर विमेन जो बनी है और इनको बिहार के मिला था वो है और इनका नाम है मांजरी जारूहर जारूहर नेक्स्ट आप देखें कि यही श्री मैडम का पूछा गया है ओके बद्रू बनर्जी बद्रू बैनर्जी कौन है ये बहुत ये कहाँ के थे फुटबॉल के कैप्टन थे हमारे ये वेस्ट बंगाल के थे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए यमुना पर आजादी महोत्सव तो यमुना पर आजादी महोत्सव ये किसको मनाया किसने मनाया है जल्दी जल्दी बताओ रैपिड फायर है बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं नलायक हैं आप लोग ये सब तुरंत तुरंत बताना है ना वो पढ़ने वाला चीज थोड़ी पढ़ने वाला चीज शुरू में था गजेंद्र सिंह शेखावत ठीक आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर के लिए देखो पहले कोविड का होता था अब एक और नया बीमारी का हो गया है तो जल्दी से बताइए जो नया बीमारी है वो कौन सा है मंकी पॉक्स मंकी पॉक्स का भी क्या हो रहा है आरटीपीसीआर हो रहा है शहीद भगत सिंह जी के नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब खोला गया है तो आप बताइए कि पहले जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट था इसका नाम या कौन से शहर में खोला गया यही बता दो हाँ ठीक तो ये जो है खोला गया है कहाँ चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में इसको खोला गया है ठीक है तो इसी तरह से प्यार से आराम से एकदम रिलैक्स करके चिल करके हंसी मजाक से पढ़ेंगे और आप लोग सेशन को लाइक करेंगे जाते जाते पहली बात और जो भी बच्चे अभी नहीं जानते कि देखो एस एस सी जेई का बैच आ चुका है डीआरडीओ का बैच आ चुका है और आने वाला है आर का भी बैच तो जितने भी ए जेई -E, -E, जितने जैसे भी तुमको ए -E और जेई -E बनना है तुमने सिविल से किया है तो ये सिविल का पैक है डबल वैलिडिटी है छः महीना का पैक ले लो एक साल का मिल जाएगा एक साल का लोगे दो साल के लिए मिलेगा तो दो साल में सब कुछ फ्री टेस्ट फ्री बुक फ्री वीडियो क्लासेस फ्री मेरा लेक्चर फ्री हम फ्री नहीं है, मेरा लेक्चर फ्री ठीक चले तो इंटर यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिकल ये सारे बैचेस भी वैसे ही हैं डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है आज है कल समाप्त हो जाएगा और अगर आप टेरिटोरियल आर्मी का तैयारी करो ये भी बहुत दिस इज़ अ दिस इज़ वेरी गुड सर्विस एंड वेरी प्रेस्टिजियस सर्विस नहीं जानकारी है तो देखो इसको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए आई टी और बी के बैचेज़ आ, आ चुके हैं तो ये भी आप देख सकते हैं वाई तीन कोड है सबका कॉमन उसके बाद आप असम राइफल सीआई का प्रिपरेशन कर सकते हैं अग्निवीर वायु नेवी आर्मी का प्रिपरेशन कर सकते हैं अग्निवीर का महापैक भी उपलब्ध है और अगर आप डिफेंस का महापैक लेते हैं आज है डबल वैलिडिटी ऑफर तो सी आई एस एफ असम राइफल्स टेरिटोरियल आर्मी और जितने भी बैंचज हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे साथ ही साथ एफ कैट का फाउंडेशन बैच बैंच के लिए सी डी एस के बैंचज आने वाले हैं सी ए पी एफ के भी बैचेस हैं तो ये सारे बैचेस में आप पढ़ सकते हैं और प्रिपरेशन करके अपने डिफेंस में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड आपको पता है क्या है वाई तीन ओके इसके लिए क्या करना है इसके लिए गूगल में जाना है और यहाँ पे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में जाना है और आपको पता है आप लोग हमेशा पूछते हैं मैम करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएंगे तो इंजीनियरिंग अड्डा पे आज ग्यारह बजे हम आपको बताएँगे करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं और सी के बच्चे जो हैं वो डिफेंस पे दस बजे आएंगे उसके क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं और जो नहीं बच्चे आए वो सही में पटाएँगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ठीक है ठीके? तो इसके लिए आप क्या जाएं वेबसाइट पे जाएं ऑल कोर्सेज में जाएं ऑल कोर्सेज में अगर आप डिफेंस के लिए जाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब पे जाएं इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ गेट इंजीनियरिंग पे जाएं इस पर क्लिक करें इंजीनियरिंग महापैक पे जाएं क्योंकि आज तो हम बोलेंगे कि महापैक ही बेस्ट है ऐसे हर लाइफ कोर्सेज पे भी डबल वैलिडिटी है ठीक है तो जैसे अगर आप मान लीजिए एस एस का जाते हैं तो जो भी कोर्सेज आप ले रहे हैं टेक प्लस नॉन टेक या सिर्फ नॉन टेक सब पे डबल वैलिडिटी का ऑफर है ठीक है तो यहाँ पर महापैक आप ले सकते हैं सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी पे भी क्लिक कर लीजिए अगर आपको दो साल के लिए लेना है तो ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व एक साल के लिए लेना है तो सिक्स प्लस सिक्स इस पर व्यू ऑफर्स में जाइए सबका कूपन कोड कॉमन है क्या है वाई तीन सौ बत्तीस थ्री थ्री टू और वाई थ्री थ्री टू में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा टू फाइव टू सेवन फाइव नाइन तक का यह बैच मिल जाएगा उसी प्रकार से आपका डिफेंस का महापैक भी है ठीक है ये सब बातें तो ठीक है अगर आप सी डी एस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे मुझे आप दस बजे डिफेंस डिफेंस अड्डा पे और पूछते रहते हैं करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाना है उसके लिए आप आ जाएंगे ग्यारह बजे इंजीनियरिंग अड्डा पे ओके गाइज दिस इज द थिंग और अगर आप पेड क्लासेस में हैं इंजीनियरिंग के तो अभी नौ बजे जल्दी से एक मिनट बाकी है ज्वाइन कर लें थैंक यू थैंक यू फॉर द सेशन एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कोई भी प्रॉब्लम है तो आइए बात करते हैं अभी हम लोग पेड में ओके थैंक यू